जम्मू कश्मीर में होने वाले ब्लॉक विकास परिषद यानी बीडीसी के चुनावों में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। कांग्रेस ने नेताओं के प्रिवेंटिव कस्टडी में होने की वजह से चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। उधर 24 अक्टूबर को होने वाले इन चुनावों के लिए सूबे के पंच और सरपंच चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे इन चुनावों को घाटी में सामान्य होते हालातों से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मुद्दा बनता जा रहा है। केंद्र और राज्य में एनडीए की सहयोगी पार्टी आरपीआई और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। अठावले ने कहा कि अगर कॉमन सिविल कोड आ जाता है तो हिंदू मुस्लिमों में अच्छी एकता पैदा होगी। उन्होंने इसके लिए सभी से सहयोग मांगा है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई से पहले पीएमसी के खाताधारकों ने कोर्ट के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया और कोर्ट से गुहार लगाई कि आरोपियों को जमानत ना मिले। इसके साथ ही लोगों ने सरकार से भी मांग की कि पीएमसी बैंक को स्थिति से बाहर निकाला जाए। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही 5300 कश्मीरी परिवारों को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक सरकार के इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर हैं। यहां कैथल में उन्होंने जनसभा को संबोधित कर चुनाव अभियान का आगाज किया। शाह ने भरोसा जताया कि हरियाणा में इस बार 75 सीटों के पार वाली बीजेपी सरकार बनने जा रही है। कैथल रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने रफाल की शस्त्र पूजा की, लेकिन कांग्रेस देश की इस परंपरा से खुश नहीं है। शाह ने कहा, कल विजयादशमी थी जो बुराई पर अच्छाई की प्रतीक है और ये शस्त्र पूजन करके मनाई जाती है। मैं देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बधाई देता हूं कि कल के ही दिन उन्होंने रफाल को हमारी वायुसेना में शामिल करके देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया है। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा का एजेंडा लेकर बीजिंग पहुंचे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को चीन ने जोरदार झटका दिया है। चीन ने अपने स्टैंड से यू टर्न लेते हुए कश्मीर को भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा माना है। साथ ही दोनों देशों को आपसी बातचीत से इसको सुलझाने की नसीहत दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले ये चौंकाने वाला बयान दिया है। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बार फिर से लीक से हटकर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्वागत करेंगे। मंदिरों के शहर में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात की तैयारियां चल रही हैं। यहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांचीपुरम में 7वीं सदी में पल्लव शासक महेंद्र पल्लव ने चीनी यात्री वेन सोंग की अगवानी की थी। अब करीब 1300 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति का इस ऐतिहासिक नगरी में स्वागत करेंगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की इनफॉर्मल बैठक में आतंकवाद पर खुलकर बात होगी। जानकारी के मुताबिक भारत की ओर से चीन के सामने आतंकवाद, टेरर फंडिंग, उसका सोर्स और आतंक का समर्थन समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग पर मोहन भागवत के बयान पर कई सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने पूछा है कि 1984 में सिखों पर कत्लेआम क्या मॉब लिंचिंग नहीं थी। ओवैसी ने ये भी पूछा है कि भरी ट्रेन में हाफिज जुनैद को चाकुओं से मार दिया गया, क्या वो भी मॉब लिंचिंग नहीं थी। कांग्रेस में राहुल गांधी फिर अपनों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी की खराब हालत के लिए राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने को सबसे बड़ी वजह बताया है। खुर्शीद ने कहा है, राहुल गांधी के इस फैसले के चलते पार्टी हार के बाद जरूरी आत्मनिरीक्षण भी नहीं कर पाई और अगर ऐसे ही हालात रहे तो 3 राज्यों में चुनाव जीतना मुश्किल है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एनसीपी के उम्मीदवार मनोहर सपाटे के प्रचार कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी का अब विलय हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी एक ही मां की गोद में पली बढ़ी हैं। जिस मुद्दे पर एनसीपी बनी थी वो मुद्दा अब नहीं रहा है, इसलिए दोनों पार्टियों को एक होना चाहिए। चीन के शिनजियांग प्रांत में 10 लाख उइगर मुस्लिमों को हिरासत में रखे जाने पर अमेरिका ने चीन के अधिकारियों के वीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से ही ट्रेड वॉर की वजह से तनावपूर्ण चल रहे हैं। इस नए कदम से दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में एक बार फिर ड्रोन भेजने की कोशिश की गई है। पंजाब के फिरोजपुर में हुसैन वाला बॉर्डर पर बीती रात बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से 5 बार ड्रोन को उड़ते हुए पाया। इसके बाद से बीएसएफ अलर्ट पर है और सर्च ऑपरेशन जारी है।
वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। अमेरिका और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में अलकायदा के दक्षिण एशिया प्रमुख को ढेर कर दिया। अलकायदा का सरगना आसिम उमर पिछले महीने मारा गया है। अफगान अधिकारियों ने अब इसकी पुष्टि की है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का गठन 2014 में हुआ था और तभी से आसिम उमर इसका सरगना था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि इसको लेकर भ्रम का माहौल नहीं होना चाहिए। एनआरसी लागू करने से विदेशी घुसपैठियों की पहचान हो सकती है। हर व्यक्ति को नागरिकता का प्रमाण देने का पूरा मौका मिलेगा। एनआरसी से हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित होंगे। मॉब लिंचिंग पर पीएम मोदी को खत लिखने वाली हस्तियों पर हुई एफआईआर के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए शशि थरूर ने लिखा है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि लोगों के मन की बात मौन की बात का रूप ले ले। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के कोठेपुर में बन रहे एम्स का निरीक्षण किया है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 75,000 करोड़ के एमओयू साइन होने वाले हैं। इस मीट में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने मुस्लिम कार्ड खेला है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में कहा है कि उनकी पार्टी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की सेना में महाराष्ट्र के मुसलमान और दूसरे सभी धर्मों के लोगों ने दिल्ली के शासकों का तला खिला दिया था। शिवसेना मुस्लिम आरक्षण और धनगर आरक्षण की पक्षधर है। दशहरा रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगली दशहरा रैली में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बगल में शिवसेना का मुख्यमंत्री बैठा होगा। संजय राउत ने विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 288 सीटों पर अब कुल 3,239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सोमवार को नाम वापस लेने के अंतिम दिन 1,504 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। मुंबई की 36 सीटों पर इस बार 333 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें मुंबई शहर की 10 सीटों पर 89 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुंबई उपनगरों की 26 सीटों पर 244 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा 38 उम्मीदवार नांदेड़ सीट से अपना दम दिखाएंगे। इसके बाद औरंगाबाद सीट से 34 और जालना से 32 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे कम 3 उम्मीदवार चिपलूण सीट से हैं। वहीं अकोले, माहिम, बोरीवली, जलगांव और शाहदा से 4-4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। मुंबई के पास ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीटों पर 213 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। जिले में सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवार कल्याण पूर्व की सीट पर है, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार ठाणे सीट पर है। सोमवार को 38 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। महाराष्ट्र के पालघर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कुल 53 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें डहाणू और विक्रमगढ़ सीट पर 10-10, पालघर में 5, बोईसर में 8, नाला सोपारा में 14 और वसई सीट पर 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन 16 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। पुडुचेरी में कामराज नगर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उम्मीदवार घर घर पहुँच कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। हरियाणा के आदमपुर से बीजेपी की उम्मीदवार सोनाली फोगाट के चुनाव प्रचार के दौरान वहां मौजूद भीड़ ने जमकर हंगामा किया। जब वहां मौजूद लोगों ने उनके भारत माता के जयकारे लगाने पर नारा बुलंद नहीं किया तो सोनाली फोगाट भड़क गईं। जैसे ही सोनाली फोगाट ने अपना गुस्सा जाहिर किया, वहां मौजूद लोगों ने भी हंगामा मचा दिया। इसके बाद सोनाली फोगाट को माफी मांगनी पड़ी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में अलग अलग पार्टियों के 3 बड़े नेता शामिल हुए हैं। शामिल नेताओं में जनसेना पार्टी के अकुला सत्यनारायण, टीडीपी नेता जे प्रभाकर राव शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि हरियाणा में बीजेपी 90 में से 75 सीटें जीतने जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा में किसान और जवान ये 2 मुद्दे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी 75 सीटें जीत लेगी। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वालों का सिलसिला अब भी जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेजेपी और बीएसपी के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया है।
हरियाणा के बरौदा से बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने कांग्रेस प्रत्याशी श्री कृष्ण हुड्डा पर बड़ा हमला बोला है। योगेश्वर ने कहा कि श्री कृष्ण हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान बरौदा विधानसभा हलके में कोई भी विकास नहीं करवाया। कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि योगेश्वर दत्त एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता और पूर्व एमपी चरणजीत सिंह रोड़ी ने इनेलो को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चरणजीत सिंह रोड़ी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कांग्रेस में शामिल करवाया। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के कई जगहों पर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान चौटाला ने मौजूदा मनोहर लाल सरकार पर सूबे में हर गांव में शराब के ठेके खोल देने का आरोप लगाया। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने बुजुर्गों को 5100 रुपये देने का भी वादा किया। दिल्ली के कर्दमपुरी इलाके में एक शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दो युवक अवैध देसी कट्टे से हवा में फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के झुंझुनू में उस वक्त भगदड़ मच गई जब मां दुर्गा की शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया गया कि शोभा यात्रा में तेज म्यूजिक की वजह से मधुमक्खियों का छत्ता नीचे गिर गया। पटना के भगा में एक घर से 10 फीट लंबा अजगर निकला। रिहायशी इलाके में अजगर घुसने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन विभाग को इसकी सूचना दी। हिमाचल के रामपुर में सतलुज नदी की आरती की गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आरती में शामिल लोगों ने सतलुज नदी को साफ करने की शपथ ली। इससे पहले सफाई भी की गई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन HPC ने किया था। इसका मकसद लोगों को स्वच्छता का संदेश देना था। हरियाणा सरकार की तरफ से बिजली निगम में हुई SDO की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। SDO के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 80 में से महज 2 कर्मचारी ही हरियाणा के रहने वाले थे, जबकि सामान्य वर्ग में दूसरे राज्यों से 80 में से 78 कर्मचारी थे, जिस पर अब बिजली निगम की तरफ से भर्ती रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। हिमाचल के कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा की पारंपरिक तरीके से शुरुआत हो गई है। सुल्तानपुर से भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और ढालपुर के रथ मैदान में भव्य शोभा यात्रा पहुंची। इस साल अंतर्राष्ट्रीय देव कुंभ 14 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। विजयदशमी के मौके पर तमिलनाडु के मदुरै में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में 108 लड़कियों ने वीणा वादन कर माँ के लिए भजनों को गाया है। इस दौरान मंदिर को 1000 से ज्यादा गोलू मूर्तियों से सजाया गया था। पराली की समस्या को लेकर किसानों के वकील और पर्यावरणविद NGT में दोबारा याचिका देने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने पराली की समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों की मदद करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई है। तमिलनाडु के मदुरै में वकालत पढ़ने वाली 21 साल की प्रेमलता तमिल सेल्वम ने देश का नाम रोशन किया है। प्रेमलता को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल फोरम में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया है। पहली बार देश से बाहर जा रही प्रेमलता जातियों में भेदभाव पर बात करेंगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी युवराज चौहान पर कार में आए बदमाशों ने गोली चला दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद युवराज चौहान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फारबिसगंज के रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलगच्ची गांव में एक बच्चे की हत्या किए जाने के शक में एक महिला को जिंदा जला देने का मामला सामने आया है। शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवा के पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अखारा घाट में बेकाबू पुलिस की गाड़ी ने कई लोगों को टक्कर मार दी। एक महिला पुलिसकर्मी सहित 8 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कार ने पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सफर कर रहे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है।